Beneficent, Most Merciful. In today's session, you people will learn Lord Alfred Tennyson's life, Lord Alfred Tennyson as a Victorian poet. You'll be learning about the biography work of this writer. You'll be learning about one of his poems, Ulysses. And after this, we'll also discuss about lot of images, lot of isms like imagism, cubism, futurism, existentialism, symbolism, impressionism, expressionism. So these all movements, these were also contributing in writing poetry, drama, novel, like something like that. Impressionism, expressionism, how we are going to create impressions through writings. How we are going to create expression in our writing while employing and using different techniques. How we are employing and using existentialistic kind of style in our writing. What is cubism? What is imagism? What is symbolism? Everything will be discussed in today's assignment. Let's learn. Dear student, कल हमने डिस्कस किया था, इफ यू रिमेंबर, के लेट 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी जो है वो क्या है, मॉडर्निस्ट मूवमेंट है, ठीक है। अगर देखा जाए तो इसके ऊपर इन्फ्लुएंस था, जैसे वर्जीनिया वुल्फ ने कहा था कि आफ्टर 1910 ह्यूमन कैरेक्टर वाज चेंज, ह्यूमन कैरेक्टर जो है वो चेंज हो गया था। सेड बाय वर्जीनिया वुल्फ, ये वर्जीनिया वुल्फ ने कहा था। ओवरऑल क्रिटिक्स का भी ये मानना था कि आफ्टर 1900 पीपल आर चेंज्ड, लोग चेंज हो गए, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, इंडस्ट्री का दौर था, ठीक है, मटेरियलिज्म का दौर था। और मैंने आपको बताया, जब ये सारे कंपटीशन चल रहे थे तो साथ ही एक और भी कंपटीशन चल रहा था कि हु विल बी सुपर पावर, सुपर पावर कौन बनेगा। जर्मनी जो था वो अपना सर उठा रहा था, ठीक है, और वो अल्टीमेटली हमने देखा कि 1914 में एक जंग हुई जो कि 18 तक रही, 1918 तक रही, वर्ल्ड वॉर वन। अब ये सुपर पावर कौन बनेगा, अमेरिका भी आज़ाद हो गया था, वो भी एक पावर बन रहा था, तो जापान भी था वो भी पावर में था, इटली जो था वो भी पावर में था, टर्की जो था उसका भी एक नाम था। सो लॉट ऑफ कंट्रीज दे वर इन अ टसल, हु विल बी द पावर, हु विल बी द अल्टीमेट पावर, कि अल्टीमेट पावर जो है वो कौन किसके हाथ में आएगी, सुपर पावर, हु विल बी द सुपर पावर। अब जो कंट्रीज जो हैं वो क्या कर रहे थे, एक दूसरे को सब ड्यू करने की कोशिश कर रहे थे, पोएट्री लिखी जा रही थी, इवन के कुछ ब्रिटिश पोइट्स जो हैं उन्होंने लिखा कि मेरी जहाँ पे डेथ हो मुझे वहाँ दफन कर दिया जाए, मेरे हार्ट में मेरे दिल में इंग्लैंड है, और मेरे दिल में इंग्लैंड की मोहब्बत है, और मैं जहाँ दफन होऊंगा, जहाँ मुझे दफनाया जाएगा वो इंग्लैंड की सरजमीन बन जाएगी। सो पीपल आर you know showing nationalism to this extent, and these kind of poems were distributing to the different soldiers in a way to create patriotism in their heart. So the spirit of patriotism and nationalism that was being infused in the heart of the soldiers, and poets and writers, they were the leading figure while portraying such kind of ideas. लेकिन जब ये सारी चीज़ें उन्होंने इनकलकेट कर ली और इन्फ्यूज़ कर दी उन सोल्जर्स के और डिफरेंट लोगों को नेशनलिज्म और पेट्रोटिज्म और इस तरह के जज्बे से सरशार कर दिया, जब ये जंग हुई, वर्ल्ड वार वन हुई, तो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग उसमें मारे गए, प्रोमिनेंट फिगर मारे गए, साइंटिस्ट मारे गए, ठीक है, राइटर मारे गए, रिलेटिव्स उनके मारे गए, देन दिस पोट्रिंग अनदर थिंग। फिर क्या उसका नतीजा क्या बना,
कि उन्होंने कहा कि हमें रैशनलिज्म ने रीजन ने और लॉजिक की दुनिया ने, ठीक है, और आइडियलिज्म ने, यानी जो मॉडर्न फिलॉसफी थी, इन फिलॉसफी ने, जो मॉडर्न फिलॉसफी है उसने हमें कुछ नहीं दिया, तो वो नतीजा निकलता है डिफरेंट इज्म के तौर पर, अर्ली नेट लेट 20th सेंचुरी अर्ली 20th सेंचुरी में फिर कुछ इज़म्स आती हैं, इमेजिज्म, हम उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ये जो इज़म हैं, ये इज़म बहुत हद तक कंट्रीब्यूट कर रही थी लिटरेचर की प्रोडक्शन में। ये है मॉडर्निस्ट लिटरेचर का पीरियड, ज़रा नोट कीजिएगा। एक वहाँ पे मूवमेंट चल रही थी फ्रांस के अंदर, सूरियलिज्म, SURELISM, सूरियलिज्म। सूरियलिज्म जो थी एंटी, एक रैशनलिस्टिक, एंटी रैशनलिस्टिक थी, रेशनल और जो अकली दुनिया थी उससे ये रिवर्स थी, उसके उल्ट थी। 20th सेंचुरी की ये मूवमेंट है और ये फ्रांस में चली थी, और ये क्या थी, ड्रीम की इंटरप्रिटेशन थी। आपने सुना होगा नाम बर्टन रसल का, वो क्या कहता है कि बंदे को रैशनल होना चाहिए, अकली होना चाहिए, ठीक है, अकल की माननी चाहिए, मॉडर्न होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। हज़ार बंदा एक साइड पे हो, एक बंदा जो है वो अकली बात करे, तो हज़ार को छोड़ के एक की फॉलो करो, ठीक है, अकली होना चाहिए, मॉडर्न होना चाहिए, वो सारे। वो कहते थे कि ये चीज़ें इन्होंने दिया कुछ नहीं हमें, फाइटिंग, लड़ाई के अलावा। तो कुछ लोग जो थे इसके ख़िलाफ़ हो गए थे इन चीज़ों के। अब फ्रांस के अंदर एक मूवमेंट चली थी सूरियलिज्म। सूरियलिज्म जो है 20th सेंचुरी की एक मूवमेंट है, एस्थेटिक मूवमेंट है, ठीक है, पेंटिंग में आई थी। लेकिन जो पेंटिंग है वो बेसिकली, वो भी एक आर्ट है, तो पेंटिंग के अंदर जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो हम राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं। देखिएगा, डेवलप इन फ्रांस, और ये ड्रीम की इंटरप्रिटेशन थी। इंसान जो है वो आजाद पैदा हुआ है और ही इज लिबर्टियस, ही इज अ फ्री, एंड ही शुड एम्प्लॉय एंड ही शुड यूटिलाइज ऑल हिज फैकल्टी टू राइट वट एवर कमिंग इन हिज माइंड। उसके माइंड में, हार्ट में जो चीजें आ रही हैं, जैसी उसकी अकल में चीजें आ रही हैं, वो वैसा लिखता जाए, बस वह पेंट करता जाए, उसे कोई रोके ना। आर्ट को कैद नहीं करना चाहिए, ड्रीमी वर्ल्ड को उसमें पेंट किया जाता था। एंटी रैशनलिस्ट थी ये मूवमेंट, एंटी रैशनलिस्ट। जब आप रीजन से कैद कर दोगे, अकल से कैद कर दोगे आर्ट को, तो आर्ट कैद हो जाएगी, आर्ट फिर कुछ लिख नहीं पाएगी, आर्ट कुछ क्रिएट नहीं कर पाएगी। यू शुड give free hand to the art, art को आप free hand दें, you should not imprison it, आप इसको imprison नहीं कर सकते। art को कैद करना बुरा है, अच्छा नहीं है, तो reason और अकल और rational और इस तरह की faculties के जरिए इसको कैद ना करो। dreamy world की freely interpretation दी जाती थी surrealism में, चाहे वो आपको ख्वाब में, वो writing में कर दें, चाहे आप पेंटिंग की शक्ल में कर दें, इसको कहते थे सूरियलिज्म। आपने शायद पढ़ा होगा, लेकिन ये कंसेप्ट जो है थोड़े से मुश्किल लगते हैं, आज मैं सारे आपके क्लियर कर दूंगा। डियर स्टूडेंट फ्रेंड फॉलोअर, यू आर लिसनिंग टू द वॉइस ऑफ सर्राना, और कॉन्टेक्ट नंबर 0305631964। यू विल बी लर्निंग अबाउट ऑल इज्म, मॉडर्निस्ट लिटरेचर, मॉडर्निस्ट पोएट, एंड मॉडर्न poet, writer, dramatist and poets as well. आज आप सब कुछ learn करेंगे। तो dreamy interpretation जो है freely दी जाती थी अपनी faculties को, जो भी आपके अंदर imagination है और वो dreamy word आ रही है, या जो आपको ख्वाब में चीज जैसी चीज़ें आ रही हैं, you give freely interpretation of the same. You should, you express your dreams freely, free and fair manner. जैसे आ रही है वैसे आप, एक मिसाल है, आपके ख्वाब में कोई ऐसा इंसान आया है कि जो आपने वैसा कोई देखा ही भी नहीं है,
और वो उसने आसमान को उठाया हुआ तो आप वैसा ही बना दें, यू आर नॉट गोइंग टू बाउंड योर फैकल्टी योर आर्ट। इसको कहते थे सुररियलिज्म, 20th सेंचुरी की मूवमेंट थी। एक था क्यूबिज्म, क्यूबिज्म भी जो है वो भी 20th सेंचुरी की एक मूवमेंट थी, और ये आइडिया ऑफ कोलैबोरेशन था डिफरेंट चीजों का। इट वाज अ कोलैबोरेशन ऑफ, क्यूबिज्म क्या था, जैसे कि नाम से ही जा रहा है क्यूबिज्म, इट इज अ कोलैबोरेशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स, आइडिया, थॉट्स, ठीक है, डिफरेंट चीजों को कलेक्ट करके इंटीग्रेट करके कोई नई चीज बनाना क्यूबिज्म था। पुलिंग टूगेदर वैरायटी ऑफ द मटेरियल्स टू क्रिएट अ होल और डिफरेंट यूनिक थिंग, कोई और चीज बना देना, बहुत सारी चीजों को कलेक्ट करके, डिफरेंट कलर को कलेक्ट करके, पेंटिंग, ये सारी मूवमेंट जो है मोस्टली पेंटिंग की है, ठीक है, जर्मनी और फ्रांस में ये ओरिजिनेट होती हैं, वहां पे ये स्टार्ट होती हैं, एंड दीज मूवमेंट प्लेड वाइटल रोल इन लिटरेचर। मॉडर्निस्ट लिटरेचर में इन मूवमेंट ने बहुत किरदार अदा किया है। अच्छा, ये मूवमेंट को अगर गौर से देखें तो ये मूवमेंट क्या कर रही थी, ये क्या कर रही थी कि एक टेक्स्ट है ना, ये टेक्स्ट है, पहले क्लासिकल और विक्टोरियन और इस तरह के ट्रेडिशन और कन्वेंशन लिटरेचर के अंदर क्या होता कि थर्ड पर्सन ओमनिशंट होता, ठीक है, नरेटर जो है वो थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन एक होता, यानी एक ही नरेट कर देता पूरी स्टोरी को। लेकिन अब क्या होगा, मल्टीपल नरेटर्स जो हैं, ये देखें उधर से कंसेप्ट लिया, जैसे पेंटिंग में डिफरेंट कलर उन्होंने क्यूबिज्म में इस्तेमाल किया, तो उन्होंने टेक्स्ट को भी वैसे ही फिर देखना शुरू कर दिया कि टेक्स्ट पे मल्टीपल नरेटर्स जो हैं एक स्टोरी नरेट कर रहे हैं, हर किसी को हिस्सा मिल रहा है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे आयशा है, सुमेरा है, तस्नीम है, या जोन से भी हमारे पास पार्टिसिपेंट है, हम सारे जवेरिया हैं, सारे पार्टिसिपेंट को हम कहें कि अपने अपनी नरेशन दें, तो वो उसमें मल्टीपल नरेटर्स जो हैं वो कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे थे टेक्स्ट में भी। तो ये थी क्यूबिज्म की एक मूवमेंट, और इसमें क्या होता कि डिफरेंट चैप्टर, डिफरेंट थॉट्स, फीलिंग, नरेटर्स, डिफरेंट नरेटर्स एंड डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज दे आर बीइंग टेकन एंड इट्स ओवरऑल काज क्यूबिज्म। क्या इसे कहते थे, क्यूबिज्म। ये सारी चीजें जो हैं आपको मिल जाएंगी, आप इनके स्नैपशॉट ले सकते हैं और इनमें से जरूर पूछेंगे पीपीएससी इंग्लिश में। एक मूवमेंट थी उसका नाम था फ्यूचरिज्म, क्या था, फ्यूचरिज्म। ये चली थी 1920 से लेके 1930 तक, ठीक है, ये इसका ड्यूरेशन है। एंड हाउ अबाउट दिस मूवमेंट, इसमें किया जा सके वाइड वैरायटी ऑफ अग्रेसिव स्टाइल जो आर्ट का है उसको लिटरेचर में शामिल किया जाता, और क्या किया जाता कि जिस तरह की वर्ड है उसको उसी स्टाइल में एक्सेप्ट करके अप्रिशिएट किया जाता। मसलन फ्यूचर जो दुनिया में, मॉडर्न जो दुनिया है, उसके अंदर नॉइज है, क्योस है, डिस्टर्बेंस है, ठीक है, ये तो मॉडर्न दुनिया में यही है ना, मार धाड़ है, क्योस है, नॉइज है, कंस्ट्रक्शन का काम है, ये सारी चीजें चल रही हैं, टेक्नोलॉजी है। अब टेक्नोलॉजी होगी तो डेफिनेटली आलूदगी भी होगी, पोल्यूशन है। अब ये सारी चीजें मौजूद हैं और इसको इसी फॉर्म में एक्सेप्ट करके उसको क्या किया जाता, पोर्ट्रे किया जाता, उसकी रियलिस्टिक पिक्चर दिखाई जाती इस मॉडर्न वर्ल्ड की, अर्बनाइजेशन को एक्सेप्ट किया जाता। दे पीपल लाइक फ्यूचरिज्म, दे लाइक अर्बनाइजेशन, ये अर्बनाइजेशन को पसंद करते, सिटी लाइफ को पसंद करते, ठीक है, ये टेक्नोलॉजी को पसंद करते, जैसी दुनिया वैसी एक्सेप्ट करते और उसको रिप्रेजेंट करते अपनी पेंटिंग और लिटरेचर के अंदर।
यानी इसकी मैंने जो एक लाइन में इसकी डेफिनेशन की है, वाइड वैरायटी ऑफ अग्रेसिव स्टाइल जो है इन आर्ट में इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जैसी दुनिया थी, नॉइज था, क्योस था, उसके अंदर डिस्टर्बेंस थी, टेक्नोलॉजी थी, पोल्यूशन था, लाइफ ऑफ अर्बनाइजेशन, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इट इज पोर्ट्रेड एज इट इज इन द वर्ल्ड, इट इज नोन एज फ्यूचरिज्म। फ्यूचरिज्म की मूवमेंट भी चल रही थी, और ये 1920 से लेके 1930 तक चली थी। इट विल बी आस्क्ड इन योर एमसीक्यू एज वेल। ये क्या कर रहे थे? ग्लोरीफाई कर रहे थे अर्बन लाइफ को, मशीनरी को, टेक्नोलॉजी को, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को, पोल्यूशन को, आलूदगी को, क्योस को, डिस्टर्बेंस को, जो मॉडर्न लाइफ है उसको वैसे इंडोर्स कर रहे थे, एक्सेप्ट कर रहे थे, एडमायर कर रहे थे, ग्लोरीफाई कर रहे थे मैकेनाइजेशन को, टेक्नोलॉजी को, डेवलपमेंट को, प्रोग्रेस को, आर्ट को, पोल्यूशन को, एवरीथिंग यू गॉट इन मॉडर्न वर्ल्ड इट इज बीइंग ग्लोरीफाइड इन द फ्यूचरिज्म। होप यू गॉट द पॉइंट। मैंने अभी तक डिस्कस किया, मैंने सुरियलिज्म को डिस्कस किया, मैंने क्यूबिज्म को डिस्कस किया, मैंने फ्यूचरिज्म को डिस्कस किया, एक और इज्म आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं, एग्जिस्टेंशियलिज्म। मेरा एक लेक्चर है एग्जिस्टेंशियलिज्म। एग्जिस्टेंशियलिज्म जो था, अरिस्टोटल और प्लेटो का मानना था कि इंसान बोर्न होता है अपने एक असेंस के साथ। मिसाल के तौर पर, मैं पैदा हुआ हूं, मुझे कुछ अरसे के बाद पता चला कि आई एम अ गुड टीचर, मैं अच्छा बोल सकता हूं, मैं अच्छा टीचर हूं, ये मेरे अंदर असेंस है मेरा। एक पेंसिल जो है, अगर वो लिख नहीं रही, उसका असेंस क्या है कि वो लिखे, अगर वो नहीं लिख नहीं रही तो वो पेंसिल नहीं है। एक नाइफ जो है उसका काम है काटना, अगर वो काट नहीं रहा तो इट इज नॉट गुड नाइफ। तो जो भी चीज इस दुनिया में मौजूद है, अरिस्टोटल कहता था कि वो अपने टैलस, टीलस उसका नाम कुछ दिया उसने, और एक उसने कहा उसका एक अपना यूडेमोनिया होता है, उसका अपना एसेंस होता है, वो उसके साथ होती है। ये आइडिया काफी सालों तक चलता रहा और लोग इसको मानते रहे, इंडोर्स करते रहे। लेकिन जब मॉडर्न फिलासफर आए तो उन्होंने, जैसे जीन पॉल सार्ट्र है, जीन पॉल सार्ट्र ने कहा नो, ऐसा नहीं है, इंसान अपने सेंस के साथ नहीं पैदा होता, बल्कि एसेंस जो है फाइंड आउट करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, फाइंड आउट करना पड़ता है, और वो सारा प्रोसेस, वो बनाने का मीनिंग, वो फाइंड आउट करने का, वो कहाँ मौजूद है, वो क्या है, वो किधर है, उस पर डेवलपमेंट करनी पड़ती है, आखिर इस दुनिया से फाइंड करना पड़ता है उन चीजों, तो वो सारा प्रोसेस उसने कहा एग्जिस्टेंशियलिज्म कहलाता है। और ये एग्जिस्टेंशियलिस्ट थे, ये कहते थे कि इंसान के पास जो मीनिंग्स मौजूद हैं, दीज आर मैन मेड। इस दुनिया के अंदर चूंकि वी आर बेवेल्डर एंड कंफ्यूज एंड हैविंग नो मीनिंग, इस दुनिया के अंदर कोई मीनिंग नहीं है, ये मीनिंगलेस वर्ड है, ये अब्जर्ड वर्ड है, सिंस इस अब्जर्ड देर इज नो मीनिंग। एग्जिस्टेंशियलिस्ट का मानना था कि ये मीनिंग जो है हम क्या करते हैं, खुद फाइंड करते हैं इस दुनिया में। हमें जो मीनिंग्स दिए गए हैं, चाहे वो कल्चर किसी सिविलाइजेशन के, किसी तहजीब के, या किसी इलाके के, या किसी स्कूल के, या किसी पेरेंट के, या किसी सोसाइटी के, या किसी स्कूल ऑफ थॉट के, या किसी इलाके के, या किसी सोसाइटी के, दीज आर गिवन बाई एंड मेड एंड प्रिपेयर्ड बाई सर्टन पीपल, दीज आर नॉट मेड बाई आवर सेल्फ। ये हमने नहीं बनाए, ये दुनिया ने, ये प्री डिफाइंड है, उनके हैं, हमने अपने मीनिंग्स खुद बनाने हैं। तो ये जो प्रोसेस है दुनिया के अंदर मीनिंग फाइंड करने का, ये एग्जिस्टेंशियलिस्ट अप्रोच थी। वो मानते नहीं थे, मोस्टली एग्जिस्टेंशियलिस्ट जो होते हैं वो एग्नोस्टिक होते हैं, वो मजहब को रिजेक्ट करते हैं, गॉड को रिजेक्ट करते हैं। तो ये अब्जर्ड दुनिया है, मीनिंगलेस दुनिया है, और इसके अंदर हम खुद फाइंड करते हैं। इसके लिए वो डिफरेंट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देते थे। एनी हो, ये एक फिलासफी थी पॉपुलर ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार वन के बाद, ये वर्ल्ड वार टू के बाद ये ज्यादा फ्रांस के अंदर प्रोमिनेंट हुई थी। ठीक है,
इसके बाद एक और मूवमेंट थी सिंबलिज्म की. सो द सिंबलिज्म, सिंबलिज्म जो है वो 20th सेंचुरी की मूवमेंट है. बिगन इन फ्रांस, फ्रांस में ये स्टार्ट हुई. हाँ जी, क्या था? रिएक्शन अगेंस्ट रियलिज्म. और ये एक सिंबलिज्म भी रिएक्शन था अगेंस्ट रियलिज्म. दुनिया को वैसे पेंट करो जैसी है, ठीक है, मॉडर्न लाइफ को दिखाएं क्यूबिज्म जैसे मैंने डिस्कस किया. तो ये एक रिएक्शन आया था 20th सेंचुरी में सिंबलिज्म का. आपने देखा होगा कि मॉडर्न पोएट जो है बहुत ज्यादा सिंबलिज्म इस्तेमाल करते हैं, और टीएस एलियट इससे बड़े इन्फ्लुएंस हुए थे इस मूवमेंट से, ठीक है. और ये कहां आई थी? ये फ्रांस के अंदर मूवमेंट आई थी. टीएस एलियट इससे बड़े इंस्पायर्ड थे और उन्होंने अपनी वेस्टलैंड पोएम के अंदर बहुत ज्यादा सिंबलिज्म का इस्तेमाल किया. जे एल्फ्रोड जो प्रूफॉक उनका उसके सॉन्ग जो हैं उसके अंदर भी उसने उसका इस्तेमाल किया है. इसको कहते हैं सिंबलिज्म, कि बहुत सारी बातें जो हैं आप सिंबलिज्म के जरिए कन्वे कर देते हैं. अगर आप मॉडर्न पोएट, एक हमारा पोएट है अमेरिकन लिटरेचर में, नाम है जॉन अशबेरी. जॉन अशबेरी को अगर पढ़ें, अगर पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं इसको, तो मेरे इसके ऊपर लेक्चर हैं, मुझे बताइएगा. जॉन अशबेरी का लिंक जो है मेलेडिक ट्रेन, ठीक है, और द पेंटर बाय जॉन अशबेरी, इसके ऊपर लेक्चर मौजूद हैं, आप सुन सकते हैं लाइन टू लाइन टेक्स्ट. इंप्रेशनिज्म, एक और मूवमेंट थी इंप्रेशनिज्म. इंप्रेशनिज्म में फोकस किया जाता है, फोकस ऑन द मेंटल लाइफ ऑफ द पर्सन रादर देन रियलिटी अराउंड हिम. आपके गिर्द जो रियलिटी है इसके ऊपर इंफेसाइज नहीं किया जाता, आपके माइंड में क्या है वो इंफेसाइज किया जाता है. आप राइटिंग किस बेस होगी, आप पेंटिंग किस बेस होगी, वट इज द मेंटल कंसेप्ट यू गेट फ्रॉम द टेक्स्ट एंड द पेंटिंग. पेंटिंग और पोइट्री से आप मेंटल कंसेप्ट क्या लेते हो ये उसके अंदर इनकलकेट किया जाता, दिखाया जाता. इसको कहते थे इंप्रेशनिज्म, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी थ्रू इंप्रेशन. रिप्रेजेंटेशंस थ्रू इंप्रेशंस. इंप्रेशन आपके माइंड के अंदर एक इमेज बना दी जाती, इंप्रेशन क्रिएट कर दिया जाता, चाहे वो पेंटिंग हो पोइट्री हो, और उसमें इस तरह के कलर यूज किए जाते कि दैट लीव्स अ गुड इंप्रेशन ऑन योर माइंड. मेंटल इमेज बना दी जाती, मेंटली कुछ इनकलकेट किया जाता, ना कि रियलिटी कोई उधर की दिखाई जाती. बिकॉज दे कंसीडर आर्ट इज आर्ट एंड वी शुड नॉट शो रियलिटी रादर देन वॉट इज रियलिटी सराउंडिंग की नहीं माइंड की. तो इसके ऊपर डेफिनेटली इन्फ्लुएंस था. सेगमेंट फ्राइड का भी इन्फ्लुएंस होगा ऐसे राइटर्स के ऊपर, पेंटर के ऊपर. एक्सप्रेशनिज्म फ्लोरिश्ड इन जर्मनी, ये जर्मनी में फ्लोरिश्ड हुई थी. क्या नाम है? एक्सप्रेशनिज्म. पहले मैंने इंप्रेशनिज्म का जिक्र किया, उसमें माइंड के अंदर मेंटल इमेज बनाए जाते, ये क्या एक्सप्रेशन, एक्सप्रेस से रिलेटेड. फ्लोरिश्ड इन जर्मनी, एक्सप्रेशन इज ट्रांसफॉर्म्ड डिस्टोर्ट नेचर रादर देन इमिटेट इट. आप क्या करते थे एक्सप्रेशनिस्ट? ये जर्मनी के अंदर स्टार्ट हुई थी ये मोमेंट, ये भी 20th सेंचुरी की है. और इसमें क्या किया जाता, एक्सप्रेशनिस्ट क्या करते कि वो डिस्टोर्ट कर देते, जो नेचर आपके सामने मौजूद है इसको इस तरह डिस्टोर्ट करते कि ही हैवी कलर यूज कर देते, एक्सट्रीम कलर यूज करके नेचर को कोई इस तरह का दिखाते कि वो और ही चीज बन जाती. ट्रांसफॉर्म कर देते नेचर को, चेंज करके दिखाते. दे ट्रांसफॉर्म नेचर, ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है? चेंज कर देना. दे ट्रांसफॉर्म नेचर रादर देन इमिटेट. यानी उसको इमिटेट नहीं करते थे, उसको चेंज करके नेचर. मिसाल के तौर पर आपके सामने कलर है, कलर का अब इसका मतलब स्काई का कलर जो है, स्काई ब्लू जो कलर है, इस कलर को कोई और ही कलर दे के इमेज, और एक्सट्रीम कलर दे के पेश करना, इसको ट्रांसफॉर्म कोई और ही शक्ल दे के पेश करना. हर चीज में एक एक्सप्रेशनिज्म
एक और ही तरीके से पेश करना, चाहे वो टेक्स्ट हो, पैराग्राफ हो, नावल हो, ड्रामा हो, जो भी आप टेक्स्ट लिख रहे हैं और जो आप पेंटिंग कर रहे हैं उसके अंदर। ये मोस्टली जो ये मोमेंट्स थी ये पेंटिंग से रिलेटेड थी। लेट्स सी सम पॉइंट्स। मॉडर्निज्म इंट्रोडक्शंस। मॉडर्निज्म एक कॉम्प्रिहेंसिव मोमेंट थी जो बिगिंस इन द क्लोजिंग ईयर्स ऑफ द 19th सेंचुरी, जो लेट 19th सेंचुरी में, मैंने आपको बताया लास्ट 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुई है, और इन्फ्लुएंस इंटरनेशनली ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी। रिवील ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द एस्टेब्लिश रूल ट्रेडिशन। अब इस एज के अंदर क्या हो रहा था कि जो एस्टेब्लिश रूल्स थे, ट्रेडिशन थी, कन्वेंशन थी, फ्रेश वे ऑफ थिंकिंग, उसको क्या किया जा रहा था, फ्रेश वे से देखा जा रहा था कि जो पहले से रूल मौजूद थे उनको क्या किया जा रहा था, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे, न्यू वे से देखा जा रहा था, और एक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा जा रहा था। अगर टैक्स है ना, मतलब एक टैक्स है, एक टैक्स में हमेशा, जैसे अगर एक टैक्स के अंदर डिस्कस हुआ है, डेथ डिस्कस हुई है, तो डेथ के अपोजिट क्या है, लाइफ। ये मीनिंग जो है डेथ के मुकाबले में जो होती है लाइफ होता है उसका अपोजिट, जक्स्टा पोज जिसे कहते हैं, एक चीज के मुकाबले में दूसरी चीज रख के कंपैरिजन करना, पैरेलल रख के चीजों को देखना, इसका व्यू भी लेना, इसका भी लेना, गुड का भी लेना, बैड का भी लेना, अच्छाई का, बुराई का, गुड इवल का, एक दूसरे थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सेकंड फर्स्ट पर्सन, सारे जो व्यूज हैं वो लेना, और टेक्स्ट को मल्टीपल वे से देखना, मल्टीपल व्यू देना, मल्टीपल व्यू लेना, ये सारी चीज़ों उस पर गौर किया जा रहा था। बट बिफोर दैट इट वॉज नॉट लाइक दैट, सच काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट वर नॉट बींग यूज्ड। इससे पहले तो नहीं यूज किए जा रहे थे, लेकिन इस एज में चूंकि ये एक मॉडर्न एज थी, एक एक्सपेरिमेंट की एज थी, एक इंडस्ट्रियलिज्म की एज थी, इंडस्ट्रियलिस्ट पीपल थे और एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और डिफरेंट तरीके से लिटरेचर को देख रहे थे, चेंजिंग चाह रहे थे, और जो बने हुए नोशन थे, कंसेप्ट थे, एस्टेब्लिश रूल थे, उनको ब्रेक कर रहे थे ये लोग। क्यों कर रहे थे ये मैं आपको बताऊंगा। इट्स पर्टिकुलरली कंसर्न्ड विद लैंग्वेज, हाउ टू यूज एंड विद राइटिंग इटसेल्फ, स्टाइल मूवमेंट इन द आर्ट दैट एम टू ब्रेक विद द क्लासिकल ट्रेडिशन फॉर्म्स। स्टाइल ऐसा बनाया जा रहा था कि जो क्लासिकल ट्रेडिशनल फॉर्म था उसको वो ब्रेक कर रहा था। मॉडर्निज्म इंट्रोडक्शंस। एम्ब्रेसिंग चेंजिंग प्रेजेंट, मॉडर्निज्म इनकम्पासेस द वर्क थिंकर हु रेबल्ड अगेंस्ट 19th सेंचुरी एकेडमिक ट्रेडिशंस, बिलीविंग द ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर्स, लिटरेचर, religious faiths, social organizations and the daily life were becoming outdated. जब एक चीज़ को आप बार बार यूज़ कर रहे हैं, जो बने हुए notions हैं, जो बने हुए concept हैं, वो आपको satiate नहीं कर रहे, वो एक monotonous work लग रहा है, तो ये एज जैसे उसने बताया कि 1900, after 1900 human character ही change हो गए थे, human character was changed, they want to have diversified kind of things, they want a multiple point of view, they want a new thing in every aspect of life, and the established notion idea they were considered outdated. Then directly confronted with the new economic, social and political aspect of emerging fully industrialized world, rebel against the Victorian artificiality, moral bankruptcy and historicist traditions, encourage the re-examinations of every aspect of existence. Jaise ki Socrates ne kaha tha, unexamined life is not worth living. So here the people in the modern world, they are re-examining the established notion, thing and established ideas. They want to have new thing. As Bertrand Russell said, I will not fight for my belief. My belief can be wrong. तो यहाँ पे जो लोग हैं नई चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे थे, एस्टेब्लिश नोशन को ब्रेक कर रहे थे, नई चीज़ों को उनको री एग्जामिन कर रहे थे, पुरानी चीज़ों को, और ये सारी चीज़ें मौजूद थीं।
चाहे वो फिलासफी में हो, चाहे वो साइंस में हो, चाहे वो साइकोलॉजी में हो, चाहे वो करैक्टर की फॉर्म में, चाहे वो लिटरेचर या पेंटिंग या इस तरह की जो भी चीज़ें थी पॉलिटिक्स में, हर चीज़ को एक न्यू आउटलुक से देखा जा रहा था। हिस्ट्री, द रूट ऑफ मॉडर्निज्म अमर्ज इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी एंड रादर लोकली इन द फ्रांस इन लिटरेचर एंड पेंटिंग। इन फ्रांस इन लिटरेचर और पेंटिंग में ये कब आई है? मिडल ऑफ 19th सेंचुरी में। द एवेंट गार्ड वॉज वट मॉडर्निज्म कॉल द फर्स्ट एंड टर्म इट रिमेन टू डिस्क्राइब मोमेंट। आपसे पूछ सकते हैं वट इज एवेंट गार्ड, मैं फिर बता रहा हूँ, इसको अंडरलाइन कर लें, इंपॉर्टेंट है, MCQ में आ सकता है। वट इज एवेंट गार्ड? एवेंट गार्ड जो है एक मोमेंट थी, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था लिटरेचर पेंटिंग के अंदर जो न्यू एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे, उसको एवेंट गार्ड मोमेंट कहते हैं। टर्म रिमेन डिस्क्राइब मोमेंट विच आइडेंटिफाई देमसेल्फ अटेम्पटिंग टू ओवरथ्रो द एस्पेक्ट ऑफ द ट्रेडिशन। क्या कर रहा था ये? ओवरथ्रो, पुराने स्टाइल को छोड़ के नए एक्सपेरिमेंट। देयर वर रियल शिफ्ट इन द नेचुरल साइंस, लिबरल आर्ट।